सो दोस्तों, अगर आपका नया नया चैनल मोनेटाइज हुआ है, जैसे कि आपका चैनल का जो मोनेटाइजेशन आज इनेबल हुआ है या तो कल या तो एक दो दिन हुआ है आपका चैनल मोनेटाइज हुए, तो दोस्तों ऐसे में आपके मन में एक क्वेश्चन होता है कि हम यहाँ पे अपने चैनल पे कौन सा ऐड लगाएं, क्योंकि जब नया नया हमारा चैनल मोनेटाइज होता है तो उस टाइम बहुत सारा रिस्क होता है CTR हाई नीचे होने का, मतलब हो सकता है कि CTR आपका अचानक सा बढ़ जाए। इसीलिए जब हमारा नया नया चैनल मोनेटाइज होता है तो हमारे माइंड में बहुत तरह तरह का क्वेश्चन चलता है, कितने मेहनत करके अपने चैनल को मोनेटाइजेशन किए, और अगर थोड़ी सी गलती करने के बाद अगर हमारा जो एडसन होता है अगर वो डिजेबल हो जाए तो आपको कैसा होगा। तो इसी बीच बहुत लोग परेशान हो जाते हैं कि कौन सा ऐड लगाएं ताकि हमारा जो CTR है वो हाई नहीं हो, या तो नया नया जो चैनल मोनेटाइज हो उसमें कौन कौन सा ऐड लगाना चाहिए। सारा कुछ आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं, और वीडियो के मोनेटाइजेशन में ऐड लगाने के ऊपर सारा कुछ कंफ्यूजन इस वीडियो में आपको दूर करने वाला हूं। वीडियो से एंड तक बने रहे, ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकती है। अगर आप यूट्यूब क्रिएटर हो और रिसेंटली आपका चैनल मोनेटाइज हुआ है या तो मोनेटाइज होने वाला है, तो दोस्तों ये वीडियो को आपको जरूर से जरूर देखना चाहिए। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो गाइस बिना देर के बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जब नया नया हमारा चैनल मोनेटाइज होता है तो हम अगर उल्टा पुल्टा ऐड लगा दें तो हमारा जो CTR है वो हाई हो सकता है, और हाई होने की वजह से हमारा जो एडसन है वो डिसेबल हो सकता है। और आप लोगों को पता है कि एडसन डिसेबल हो जाएगा तो हमारा अर्निंग बिल्कुल भी नहीं होगा। और दोस्तों पहले होता क्या था कि जो हम अपने एडसन जैसे लॉग इन करते थे गूगल में या तो कहीं पर जाके, तो वहाँ पर हमें पता चल जाता था कि हमारा CTR कितना है, मतलब कितना में चल रहा है। बट गाइस अब होता क्या है कि हमें अपने CTR देखने का ऑप्शन भी नहीं आता है, मतलब वहाँ पर CTR शो ही नहीं होता कि हमारा CTR कितना है, मतलब हाई है या डाउन है, मतलब वहाँ पर शो ही नहीं होता है। अब एडसन में लॉग इन करोगे वहां पे आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो दोस्तों ऐसे भी बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है कि नया नया चैनल मोनेटाइज हो गया है, कौन सा ऐड लगाएं कौन सा नहीं लगाएं, ये प्रॉब्लम सारे क्रिएटर के पास आता है, मतलब जितने भी लोगों का नया नया चैनल मोनेटाइज होता है सारे लोगों के पास ऐसी प्रॉब्लम आता है। जब मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ था तो मेरे सामने भी ऐसा प्रॉब्लम आया था कि मैं कौन सा ऐड लगाऊं ताकि जो मेरा एडसन है पूरी तरीके से सिक्योर रहे, उसमें कोई दिक्कत ना आए और डिसेबल होने का तो कोई चांस ही नहीं हो। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूं कि जब एडसन में आप लॉग इन करोगे और वहां पे जाके अपना CTR चेक करने की कोशिश करोगे तो वहां आपका CTR शो नहीं होगा, क्योंकि अब CTR हाइड कर दिया गया है, ऑटोमेटिक कर दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर आपका चैनल रिसेंटली मोनेटाइज हुआ है या तो बहुत दिन हो गया, तो आपको करना क्या है कि आपका जो भी वीडियो है वीडियो में सारा ऐड को रन कर देना है। जी हाँ दोस्तों, आपको कोई भी ऐड को नहीं छोड़ना है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि जब हमारा ऐड रन होगा तभी हमारा डॉलर बनेगा, और डॉलर बनेगा तभी हमारा अर्निंग होगा। तो अगर आप ऐड को नहीं लगाते हैं तो आपका डॉलर ही नहीं बनेगा। और दोस्तों अगर बात रहा CTR हाई डाउन होने का, तो यहाँ पे CTR हाई डाउन का कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिसका CTR 30-40 तक चला जाता है फिर भी कुछ नहीं होता है, मोनेटाइजेशन डिसेबल नहीं होता है। और अगर यहाँ पे बात करें कि हमें CTR अब देखने का ऑप्शन भी नहीं मिलता है, मतलब यहाँ पे देखा जाए तो पूरी तरीके से ये ऑटोमेटिक हो चुका है। बस यहाँ पे आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको अपने चैनल पे इनवैलिड क्लिक एक्टिविटी नहीं करना है, नहीं तो आपका जो एडसन है वो डिसेबल हो सकता है। मतलब आप अपने वीडियो को खुद से नहीं देखना है, आप अपने वीडियो को अपने मोबाइल में खुद से प्ले नहीं कर सकते हैं, मतलब आप चाहते हैं कि अपने मोबाइल में कोई अदर जीमेल आईडी से अपने वीडियो को देख लें, तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, नहीं तो आपका एडसन डिसेबल हो सकता है। बट बात रहे ऐड रन करने का, तो आप कोई भी ऐड रन कर सकते हैं, मतलब आपको सारा ऐड रन कर देना है, यहाँ पे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। चाहे आपका कितना भी व्यूज आता है, 200 500 आपका कितना भी व्यूज आता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, आपको सारा ऐड रन कर देना है। तो दोस्तों ऐसा कन्फ्यूजन सबके पास आता है, तो उम्मीद करते हैं कि आपका कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें।